अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप कोई कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, अगर आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, अगर आप कोई हुनर सीखना चाह रहे हैं, आप कोई डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं और आप किसी को बताते हैं, तो सामने वाला क्या करता है, आप फिर हंसना शुरू कर देता है। अच्छा अभी आप ये काम करोगे, अब ये भी काम कोई करने वाला है, तो आप पर अगर हंसता है तो आप उसकी बात सुनकर नर्वस ना होया करें, बल्कि आप उसकी बात को सुनकर मोटिवेट हुआ करें, भाई इसने ऐसा क्यों कहा। अच्छा जी, आप पर वो हंसता है, हंसने के बाद ऐसा नहीं है कि आप उस काम को छोड़ दिया करें, नहीं, आप नर्वस ना होया करें, बल्कि उसे ये कह दें कि आप आज मुझ पर हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, हंसते रहें, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप मुझे देखकर तालियां बजाएंगे, कहेंगे आपने भाई ये सब कैसे कर लिया। बंदा आप पर हंसता है तो आपने ये बात सोच लेना है कि ये बंदा मुझ पर हंस रहा था या कोई लोग हंस रहे थे, तो आपने ऐसा करना है कि एक दिन उस काम को पहले से भी ज़्यादा दिल लगा कर करना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ाई दिल लगा के करनी है, अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आपने दिल लगा के उस चीज़ को सीखना है, कुछ भी हो जाए आपने बस उसको सीखते रहना है, आपने प्रॉपर अपने काम को जारी रखना है। लोगों का काम है लोगों का बातें बनाना, लोगों का काम है आप पर हंसना, तो जब आप कामयाब हो जाते हैं फिर यही लोग होते हैं आपसे पूछते हैं, भैया आपने ये कैसे किया, आपने ये कैसे तरह से किया, आप मुझे भी बताएं। आप पर कोई हंसता है तो हंसने वाले तो लोग बहुत होते हैं, मगर आपको जो एक कॉन्फिडेंस देता है वो लोग बहुत कम मिलेंगे। आपको यही लोग जब कामयाब हो जाएंगे उसके बाद आपको ये कहेंगे कि हाँ भैया आपने ये बड़ा अच्छा काम किया है। तो ज़रूर आप अपने काम को जारी रखा करें, किसी की बात सुनकर आप नर्वस ना होया करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर आपकी मेहनत का फल मिलेगा। हाँ, उसकी बात को जब वो आप पर हंसे या आपको कहे कि यह काम करने वाला है, तो ज़रूर एक बात याद रखिएगा कि आप ये काम जो कर रहे हैं कि आपको आपकी फैमिली को शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा। आप थोड़ा सा भी मेरी इस छोटी सी बात से मोटिवेट हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपने चाहने वाले का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।